किशोर कुमार साहू, आप देख रहे हैं मटेरियल टेस्टिंग लैब का वीडियो सीरीज। और मटेरियल टेस्टिंग लैब के इस वीडियो लेक्चर में हम अभी तक दो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और टेस्टिंग ऑफ मेटल के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इस लैब के आज के लेक्चर में मशीन्स के बारे में लर्न करेंगे, मशीन के बारे में समझेंगे कि किस तरीके की मशीन जो है इस टेस्टिंग लैब में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मटेरियल टेस्टिंग लैब में हम जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है उस तरीके के टेस्ट को ही परफॉर्म करेंगे। और इसमें जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स के, उस मेटल के मैकेनिकल प्रॉपर्टी का एक क्वांटिटेटिव वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मशीन्स के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूटीएम मशीन के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्या होता है, इस मशीन में हम किस तरीके के टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके की प्रॉपर्टी को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इस मशीन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको मशीन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को हम शॉर्ट में यूटीएम भी बोलते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल नाम क्यों पड़ा, तो हम जनरली देखते हैं कि ऐसे मशीन्स जिसमें दो या दो से अधिक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको हम यूनिवर्सल मशीन कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो मशीन है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसमें हम दो से अधिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम चार तरीके के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहा गया है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन अलग अलग टाइप के आपको मिलेगा, है ना। ये जो है क्या है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से या आप मैनुअली कैलकुलेशन करके या मैनुअली रीडिंग लेके इसको हम टेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन मॉडर्न डे में डिजिटल यूटीएम भी आपको मिल जाएगा जिसमें आपको कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं रहता है, पूरा जो रिजल्ट है वो डिजिटली हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो मशीन है वो स्टडी पर्पस के लिए है। ठीक है, इसमें हम किस तरीके से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यूटीएम मशीन कैसे काम करता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि यूटीएम मशीन में हम क्या चीज़ टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यूटीएम मशीन की सहायता से हम किसी भी मेटल का या किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। क्लियर है, कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ क्या होता है किसी भी मटेरियल का, ठीक है, जब आप टेस्ट करते हैं तो हर एक मटेरियल या मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है ना, तो मैक्सिमम लोड बियर करने की जो कैपेसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो किसी भी पदार्थ का अधिकतम बल सहने की क्षमता जो होती है वो उसका स्ट्रेंथ कहलाता है, सहनशीलता कहलाता है। अब ये जो अधिकतम बल सहने की क्षमता है वो कहाँ तक, है ना, तो मेटल में अलग अलग लिमिट तक सहने की क्षमता होती है, तो टूटने तक कितना बल सह सकता है ना, वो उसका स्ट्रेंथ कहलाता है, या डिफॉर्म होने तक कितना बल सह सकता है वो इसका स्ट्रेंथ कहलाता है। तो अलग अलग लिमिट पे अलग अलग स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं, है ना। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होता है वो टूटने तक होता है, मतलब टूटने तक कितना बल सह सकता है वो उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाता है, तो जो कि हम इस मशीन से प्राप्त करते हैं। क्लियर है, तो इस मशीन में हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं। अब स्ट्रेंथ जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, चार प्रकार के लोड के बारे में हमने पढ़ा था, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शियर लोड और बेंडिंग लोड। ठीक है, तो किस तरीके का लोड लग रहा है उसके हिसाब से उसका हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं। टेंशन लोड लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, कंप्रेसिव लोड है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा,
अपना सीआर लोड लग रहा है तो सीआर स्ट्रेंथ हम देखते हैं, और बेंडिंग लोड लग रहा है तो बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जो है चार प्रकार के होते हैं, तो चारों प्रकार के स्ट्रेंथ को हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से टेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम चार प्रकार के टेस्ट करते हैं। पहला टेंसाइल स्ट्रेंथ का चेक, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का चेक, तीसरा सीआर स्ट्रेंथ का चेक, और चौथा बेंडिंग स्ट्रेंथ का चेक टेस्ट करते हैं। तो चार टेस्ट करते हैं। जब हम टेंशन स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे किसी मेटल का, तब वो टेंशन टेस्ट कहलाएगा। जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक टेस्ट करेंगे तो कंप्रेशन स्ट्रेंथ कहलाएगा। वैसे ही जब हम सीयर और बेंडिंग स्ट्रेंथ का चेक करेंगे तो सीयर टेस्ट और बेंडिंग टेस्ट कहलाता है। क्लियर है ये चार तरीके के टेस्ट। तो आज के लेक्चर में हम टेस्ट नहीं करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे कि मशीन में क्या क्या चीज़ें होती है। तो इस पूरे मशीन में आप देखिए दो पार्ट्स होता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है कंट्रोल यूनिट, है ना, ये क्या है कंट्रोल यूनिट। और ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आपको कहलाता है टेस्टिंग यूनिट। तो यूटीएम मशीन में दो यूनिट है, दो पार्ट है, एक है कंट्रोल पार्ट और एक है टेस्टिंग पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में, है ना। तो कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, देखिए ये कंट्रोल यूनिट है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले तो इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स कैसे लगाया जाता है, मैनुअली लगाते हैं या कोई चीज़ और इसमें यूज़ किया जाता है। तो फोर्स लगाने के लिए हम इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज़ करते हैं, यार हाइड्रोलिक प्रेशर से ही फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक प्रेशर का मतलब यह है कि इसमें हाइड्रोलिक पिस्टन लगा रहेगा, सिलेंडर लगा रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिक पिस्टन और सिलेंडर इसमें लगा रहता है। इस टैंक के अंदर आप जाएंगे पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे पिस्टन, एक हाइड्रोलिक टैंक है जिसमें ऑयल फिल है और वहाँ पे रैम भी है। तो यहाँ पर उसका हाइड्रोलिक कंप्रेसर वहाँ पे लगा रहता है। हाइड्रोलिक कंप्रेसर से ऑयल को कंप्रेस करके ही हम हाई प्रेशर जनरेट करते हैं, वहाँ हाई प्रेशर से ही फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज़ करके हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये इसके अंदर वो पूरा सिस्टम है। इसके अलावा इस कंट्रोल यूनिट में और क्या है, देखिए सब यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है। आप देखेंगे ये ऑन ऑफ स्विच है जो कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता है, ठीक है। देखिए ये अभी ऑफ पोजीशन पे है, हम इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्रेसर का ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ पे दो वाल्व आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका दिख रहा है, ये सप्लाई वाल्व है, ये क्या है सप्लाई वाल्व है, और ये है रिलीज वाल्व। तो ये सप्लाई वाल्व क्या होता है, अभी क्लोज पोजीशन पे है, जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ऑयल सप्लाई होगा कहाँ से, कंप्रेसर से टेस्टिंग यूनिट, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वाल्व को रोटेट करेंगे तो यहाँ से वाल्व ओपन होगा, है ना, और यहाँ से ऑयल का सप्लाई होने लगेगा यहाँ पे टेस्टिंग यूनिट में, ठीक है। तो ये ओपन वाल्व या ऑयल सप्लाई वाल्व है, ठीक है। दूसरा जो वाल्व है रिलीज वाल्व, जब टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में ऑयल को फिर से हमें टैंक में लाना रहता है। तो यहाँ से फोर्स को रिलीज करने के लिए, फोर्स को हटाने के लिए हम रिलीज वाल्व को ओपन करते हैं। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लोज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये रिलीज हो जाएगा और ऑयल जो है वापस टैंक में आ जाएगा। तो ये फोर्स को रिलीज करने के लिए इस वाल्व का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो वाल्व है, ओपन वाल्व और रिलीज वाल्व, ठीक है। इसके अलावा इस कंट्रोल यूनिट में एक ऑन अप डाउन स्विच भी है, ये आपको वाल्व दिखाई दे रहा है, ये अप डाउन स्विच है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये टेस्टिंग यूनिट में क्रॉस हेड को अप और डाउन करने के लिए इस स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मिडिल क्रॉस हेड को अप डाउन करने के लिए यूज करते हैं। इस स्विच का यूज कब करेंगे, जब हम
स्पेसिमेन को फिट करेंगे या कंपोनेंट को फिट करेंगे मशीन में, तो कंपोनेंट के साइज के हिसाब से जॉ को एडजस्ट करना रहता है। तो जॉ को एडजस्ट करने के लिए हम इस वाल्व का यूज करते हैं, है ना, ये वाल्व है। इसके अलावा इस कंट्रोल यूनिट में आप देखेंगे तो एक डायल इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है। इस डायल इंडिकेटर में आप देखेंगे यहाँ पे डायल बना हुआ है, दो इंडिकेटर है या पॉइंटर है, एक ब्लैक इंडिकेटर और रेड इंडिकेटर, ठीक है। तो इस मशीन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, तो फोर्स कितना फोर्स लग रहा है ये वैल्यू जो है हमें यहाँ डायल इंडिकेटर से मिलता है, ठीक है। तो डायल इंडिकेटर से हमें फोर्स का वैल्यू मिल जाता है। अब बात आती है कि इस मशीन में हम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास जो UTM मशीन है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 40 टन है, मतलब हम 40 टन फोर्स अधिकतम लगा सकते हैं, क्लियर है, 40 टन फोर्स, ठीक है। तो 40 टन का पूरा यहाँ पे रीडिंग हमें बनाना है। अब केवल 40 टन का ही रीडिंग यहाँ पे मिलेगा ऐसा नहीं है, इस मशीन में हम चार तरीके से रीडिंग को सेट कर सकते हैं। पहला हम 4 टन के लिए सेट कर सकते हैं, दूसरा 10 टन के लिए, दूसरा 20 टन के लिए और चौथा 40 टन। इस तरीके से चार रेंज में हम इस लोड वैल्यू को सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए यहाँ पे पॉइंटर दिया हुआ है, देखिए इसको हम इस लीवर को रोटेट करेंगे, अभी ये मैक्सिमम लिमिट दिखा रहा है 40 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको हम रोटेट करके, है ना, 10 टन में सेट कर सकते हैं, वैसे ही 20 टन और ये 40 टन, चार तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको लोड वैल्यू को सेट करने के लिए पीछे अरेंजमेंट दिया हुआ है कि कैसे हम लोड को सेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखें कि हम यहाँ से फोर्स का वैल्यू या रीडिंग जो है नोट कर सकते हैं। इसमें दो पॉइंटर इसमें दिया है, क्योंकि एक नीचे वाला जो ब्लैक पॉइंटर है ये प्रेशर के साथ रोटेट करता है और रीडिंग बताता है, लेकिन जैसे ही ब्रेक होता है कंपोनेंट तो ये ब्लैक पॉइंटर रिटर्न हो जाता है अपने ओरिजिनल पोजिशन में, जीरो पोजिशन पर। तो रीडिंग हम लोग लेते हैं रेड पोजिशन पर, ब्लैक रेड पॉइंटर जो है ब्लैक के साथ मूव करते जाता है, है ना, ब्लैक अपने जीरो पोजीशन में रिटर्न हो जाएगा, लेकिन रेड जो है जहाँ पर ब्रेक हुआ है वहीं पे ही रुका रहता है। तो रेड पॉइंटर की सहायता से हम रीडिंग को नोट डाउन करते हैं, इसलिए यहाँ पे दो पॉइंटर हमें दिया हुआ है, क्लियर है। अब इस कंट्रोल यूनिट के साथ साथ यहाँ पे एक स्ट्रेनोग्राफर भी कनेक्ट है, स्ट्रेनोग्राफर या स्ट्रेनो ऑटोग्राफर भी हो सकते हैं। इस मशीन में टेस्ट करने के बाद हमें एक ग्राफ मिलता है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। तो ग्राफ जो है हमें ऑटोमेटिक इस ग्राफ पेपर पे मिल जाता है, या पेन और मैकेनिकल लिंक स्केल और ये पेपर ग्राफ, ये पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे स्टेनोग्राफर है जो इस कंट्रोल यूनिट के साथ अटैच है, क्लियर है, ये कंट्रोल यूनिट पूरा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं टेस्टिंग यूनिट। टेस्टिंग यूनिट इसलिए क्योंकि जो जिस भी कंपोनेंट या स्पेसिमेन का हमें टेस्ट करना है इसको हम इस यूनिट में रखते हैं, यहाँ पे फिट किया जाता है, इसलिए ये टेस्टिंग यूनिट है। अब टेस्टिंग यूनिट में क्या क्या होता है, सबसे पहले बात तो टेस्टिंग यूनिट में तीन क्रॉस हेड होते हैं, तीन क्रॉस हेड होते हैं, एक ये वाला जो दिख रहा है आपको अपर क्रॉस हेड, ये मिडिल क्रॉस हेड और ये बॉटम क्रॉस हेड, क्लियर है, तीन क्रॉस हेड होता है, ये अपर क्रॉस हेड और ये लोअर या बॉटम क्रॉस हेड, दोनों क्या है, एक स्टील रॉड से कनेक्टेड, ये स्टील रॉड से क्या है कनेक्टेड है, और ये अपर और बॉटम क्रॉस हेड जो है ये एक दूसरे से क्या है फिक्स रहता है, क्लियर है, फिक्स रहता है। और वहाँ से जैसे ही हम ऑयल सप्लाई करते हैं तो ये अपर और ये लोअर क्रॉस हेड एक साथ ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लगता है, क्लियर है, ये लिफ्ट होता है, ये फिक्स है और ऑयल प्रेशर से ये अप डायरेक्शन में लिफ्ट होता है, ठीक है। अब इसमें मिडिल क्रॉस हेड की बात करें तो ये मिडिल क्रॉस हेड है,
मिडिल क्रॉस हेड किससे कनेक्टेड है, थ्रेडेड कॉलम से। ये थ्रेड, इसमें थ्रेड बना हुआ है, थ्रेडेड कॉलम, एक थ्रेड कॉलम, ये दूसरा थ्रेड कॉलम, तो इसमें स्क्वायर थ्रेड बना हुआ है। तो ये मिडिल क्रॉस हेड जो है वो क्या है, मूवेबल है, इसको अप और डाउन डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं, इसलिए मूवेबल क्रॉस हेड भी बोलते हैं। अब इसको मूव क्यों करते हैं, अप डाउन स्विच की सहायता से, है ना, स्पेसिमेन को उसके साइज के हिसाब से फिट करने के लिए, जॉ को एडजस्ट करने के लिए इस मिडिल क्रॉस हेड को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये अगर मैं इस स्विच को अप की तरफ ऑन करूंगा, ये मिडिल क्रॉस हेड क्या होगा, अप डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। इस स्विच को मैं डाउन की तरफ ऑन करूंगा तो ये मिडिल क्रॉस हेड डाउन वाला डायरेक्शन में मूव कर लेगा। ठीक है, ये स्पेसिमेन के साइज के आधार पर हम मिडिल क्रॉस हेड को अप डाउन मूव कराते हैं। ठीक है, अब इस टेस्टिंग यूनिट में और क्या होता है, ये हैंड व्हील लगे हैं, दो हैंड व्हील आपको दिखाई दे रहा है जो कि स्पेसिमेन को फिट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे अंदर जॉ लगा हुआ है, इस जॉ में ही हम स्पेसिमेन को फिट करते हैं। ठीक है, अब इस मशीन में हम चार तरीके के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये अपर जॉ और ये मिडिल जॉ, इन दोनों के बीच में हम टेंशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टेंशन टेस्ट हम माइंड स्ट्रिप का करते हैं और उसका एक स्पेसिमेन इस तरीके से होता है। तो इस स्पेसिमेन को हम अपर क्रॉस हेड और मिडिल क्रॉस हेड के बीच में इस हैंड व्हील की सहायता से फिक्स करके क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे ही जब हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं या शियर टेस्ट करते हैं या बेंडिंग टेस्ट करते हैं, ये तीनों टेस्ट जो है वो बॉटम क्रॉस हेड पे परफॉर्म किया जाता है। जिस स्पेसिमेन को हमें टेस्ट करना है उसको हम बॉटम क्रॉस हेड पे रखेंगे और ये मिडिल क्रॉस हेड को उसके हिसाब से एडजस्ट करके हम मिडिल क्रॉस हेड और बॉटम क्रॉस हेड के बीच में टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो टेंशन टेस्ट अपर और मिडिल क्रॉस हेड के बीच में परफॉर्म किया जाता है और बाकी कंप्रेशन शियर और बेंडिंग टेस्ट जो है हम मिडिल और बॉटम क्रॉस हेड के बीच में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके कंपोनेंट के बारे में, अब टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लोड को सेट करना है कि किस रेंज में हम करेंगे, और लोड का जो रेंज है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। सॉफ्ट मटेरियल है, कम लोड पे टेस्ट हो जाएगा तो कम रेंज वाला डायल आपको यूज करना है, अधिक लोड की जरूरत है उस मटेरियल को टेस्ट करने के लिए आप तो अधिक रेंज वाला लोड को पहले सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिमेन को फिट करेंगे। टेंशन टेस्ट है तो ये अप डाउन स्विच का यूज करके मिडिल क्रॉस हेड को अप डाउन करके इस हैंड व्हील की सहायता से स्पेसिमेन को यहाँ पे फिट करेंगे। क्लियर है, फिट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो स्विच हैं, ठीक है, एक मेन एमसीबी का स्विच है और दूसरा इस मशीन में ऑन ऑफ का स्विच है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑन ऑफ का स्विच है वो कंप्रेसर को ऑन करता है। ठीक है, तो कंप्रेसर जो हाइड्रोलिक कंप्रेसर है जिसमें एक मोटर लगा हुआ है, इसमें रैम है। ठीक है, तो वहाँ पे मोटर जो है उसको हम 3 फेज 440 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, जिससे मोटर क्या करता है, रैम को ऑपरेट करता है। और वहाँ पे जो रैम या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसमें स्ट्रोक होता है, उसमें लगभग 200 मिलीमीटर का स्ट्रोक होता है, जिसकी वजह से ऑयल क्या होती है, कंप्रेस होती है, हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ स्विच जो है कंप्रेसर, इसको ऑन करने से ही कंप्रेसर ऑन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फिट कर दिया है तो यहाँ पे दो पाइप आपको दिख रहा है, एक पाइप से हम पाइप को सप्लाई करते हैं, तो ऑयल सप्लाई कब होगा, जब उस वाल्व को ओपन वाल्व को हम ओपन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके, तो एक पाइप से हमें सप्लाई होगा। उस केस में ये रिलीज वाल्व जो है पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स सप्लाई होगा और ये मिडिल क्रॉस हेड और अपर क्रॉस हेड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है,
तो यहाँ पे टेंशन फोर्स अप्लाई होगा और नीचे कंप्रेशन फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि जब टेस्ट करते हैं उस दौरान मिडिल क्रॉस हेड जो स्टैटिक कंडीशन में रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक है। जब टेस्ट करते हैं उस दौरान अपर और बॉटम क्रॉस हेड ही अपर डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन जब हम स्पेसिमेन को फिट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो उस दौरान ये अपर और बॉटम क्रॉस हेड स्टैटिक कंडीशन में रहता है, मिडिल क्रॉस हेड को हम अप डाउन मूव करा सकते हैं, क्लियर है। तो इसमें ये पूरा टेस्ट हम करते हैं, जब टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ मिलता है, यहाँ से हमें लोड की वैल्यू मिल जाती है और यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ है, स्केल इस स्टील बार के साथ। तो इस स्केल से हमें स्पेसिमेन में कितना इलांगेशन हो रहा है, कितना उसका लंबाई बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ स्केल से प्राप्त हो जाती है, क्लियर है। तो इस तरीके से इसमें पूरा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो लास्ट हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यहाँ से हम पूरा लोड की वैल्यू नोट करते हैं, किस लोड पे वो मैक्सिमम फ्रैक्चर हुआ, ठीक है। तो मैक्सिमम लोड जिस पे फ्रैक्चर हो गया वो मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है। कितना मटेरियल में इलांगेशन हुआ या उसमें कितना लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आया, ये भी हमें पता चल जाता है इस स्केल की सहायता से। इस टेस्ट को करने के बाद हमें स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्राप्त होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बारे में अलग से हम समझेंगे क्या होता है, और उसी स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से हमें मटेरियल का पूरा प्रॉपर्टी पता चल जाता है, हमें यील्ड स्ट्रेंथ पता चल जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पता चल जाता है, ब्रेकिंग पॉइंट पता चल जाता है, इलास्टिक लिमिट पता चल जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे एक एक टेस्ट के बारे में हम समझेंगे। इस लेक्चर में हमने केवल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।